स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके सो बेटा, यू आर वेरी मच फैमिलियर कि हमारे पास, वी नो दैट द थ्री मेन स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर, वी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज दी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, वी हैव डिवाइडेड दी मैटर्स इनटू थ्री स्टेट्स। स्टेट्स ऑफ मैटर्स आर जनरली, वी ऑल्सो स्टडी द टू स्टेट्स ऑफ मैटर। वन इज दी अनदर टू स्टेट, वन इज दी बोस आइसन कंडेंसेट। ओके, और इसके साथ प्लाज्मा भी हम लोग पढ़ते हैं। ओके, लेकिन जो मेन अभी हमारे पास है वो स्टार्स वगैरह के अंदर पाया जाता है, या फिर आउटर स्पेस की बात चल रही है। लेकिन अभी हम लोग जो मेन अर्थ पर जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो इन तीन स्टेट्स से रिलेटेड ही करते हैं, दैट इज दी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, दिस टॉपिक या दिस चैप्टर सॉलिड स्टेट विल गोइंग टू स्टडी इन द 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, ये अभी नहीं है, हम लोग इस स्कोप यानी कि लिक्विड और गैसियस स्टेट को हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग गैसियस स्टेट को पढ़ेंगे एंड देन वी विल गोइंग टू स्टडी द लिक्विड स्टेट। गॉट इट? समझ में आया? यस ओके यस सर। बेटा, उससे पहले मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊं तो मैं कुछ बेसिक नॉलेज इस चैप्टर से रिलेटेड जो हम लोग ग्राफ्स में पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा मैं एक रिवीजन एक समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। ओके, सबसे पहले हम लोग ओके करते सर। लॉग के कुछ रूल्स। हमारे पास लॉग होता है, लॉग ए इंटू बी की वैल्यू क्या होती है बताइए, डू यू हैव एनी आइडिया? यू कैन राइट इट लॉग ए प्लस लॉग बी। ओके, यानी अगर हमारे पास कोई चीज ऐसे लिखी हुई है लॉग ए इंटू बी, तो वी कैन राइट इट लॉग ए प्लस बी। गॉट इट? ओके सर। यस सर। अगर हमारे पास कोई चीज ऐसे लिखी हुई है लॉग ए अपॉन बी, तो वी कैन राइट इट लॉग ए माइनस लॉग बी। गॉट इट? यस सर। ओके, यानी डिवीजन में होगा तो माइनस में, और अगर मल्टीप्लिकेशन में होगा तो हम लोग इसको सम करके लिख सकते हैं। ओके, एक हमारे पास ग्राफ, हमारे पास अलग अलग चीजों के अलग अलग तरह से ग्राफ होते हैं। ओके, सो एक हमारे पास ग्राफ की इक्वेशंस आपने पढ़ी होगी, या एक लीनियर इक्वेशंस आपने पढ़ी होगी, लीनियर लाइन की इक्वेशन, दैट इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, इसमें वाई जो होता है वो वाई एक्सिस पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, यहाँ पर ये जो होता है हमारे पास, ये जहां पर जो भी कुछ होगा उसको हम लोग एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस की वैल्यू है। ओके, एक्स एक्सिस, और सी इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब सी की वैल्यू जो भी होगी वहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। जैसे सपोज कीजिए कि सी की वैल्यू 5 है, तो 5 से यहां से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ हमारा। ठीक है, ओके, और एम जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है बेटा? स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो इक्वेशन है, इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ होता है बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ओके, तो ये जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, यानी सीधी लाइन होगी, हमारे पास कर्व लाइन नहीं होगी, हमारे पास ऐसी कोई लाइन देखने को नहीं मिलेगी। ओके, सो हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। ओके, एम जो होता है वो होता है स्लोप। एम की वैल्यू जो होती है वो होता है 10 थीटा, और एम की जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग थीटा हम लोग लिखेंगे, यानी स्लोप ऑफ लाइन जो होता है वो 10 थीटा होता है। ये कैसे होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब ओके स्लोप सर। लाइन, स्लोप ऑफ लाइन हमारे पास नेगेटिव भी हो सकता है, यानी एम की वैल्यू अगर हमारे पास पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा हमारे पास पॉजिटिव स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप। और अगर हमारे पास एम की वैल्यू नेगेटिव है तो उसका मतलब होगा नेगेटिव स्लोप। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप होता है हमारे पास इस तरह से, ये हमारे पास पॉजिटिव स्लोप है, स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप हमारे पास होता है इस तरह से, ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप है। ओके, यस सर। समझ आया? और यस इसके सर। साथ साथ हम लोग के पास जो एम है बेटा, एम की वैल्यू एक पॉजिटिव है, एम की वैल्यू एक नेगेटिव है। ओके, ये हमें स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करता है। ये जो सी है, अगर हमारे पास सी नहीं है, जीरो है, सपोज कीजिए हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स,
इसका मतलब हम लोग मान लेंगे कि c के वैल्यू जीरो है, यानी विद जीरो इंटरसेप्ट। यहां पर हम बोलेंगे कि इंटरसेप्ट इज जीरो, इंटरसेप्ट इज जीरो। और बेटा अगर इंटरसेप्ट जीरो होता है तो उसका मतलब है कि ग्राफ जो स्टार्ट होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरह से। यहां पर हम बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप एंड जीरो इंटरसेप्ट, एंड जीरो इंटरसेप्ट। समझ आया? यस सर। इसको कॉपी कीजिए आप, कॉपी इट। ओके सर। When you're done, please let me know, okay? Yes, sir. Sure, sir. अगर मैं गैस के बारे में बोलता हूं तो प्रेशर क्या होगा बताइए? सिंपल अगर मैं बोलूंगा कि अगर मैंने किसी एक कंटेनर के अंदर सपोज कीजिए उस किसी गैस को फिल किया है, तो इसका मतलब है कि ये वो प्रेशर है जो एक एक गैस किसी एक कंटेनर की वॉल पर जो फोर्स लगा रही है, और प्रेशर ऑलवेज एक्सर्टेड परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, सो हम बोलेंगे कि ये वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट या सॉरी एक गैस किसी एक कंटेनर के वॉल पर लगा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेशर। ओके, तो हम बोलेंगे द फोर्स एक्सर्टेड बाई गैस। ठीक है, force exerted by gas on the wall of container per unit area
से पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि एक मीटर स्क्वायर पर जो भी फोर्स एक गैस लगा रही है वॉल पर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। गॉट इट, समझ आया? जोहा, ओके। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वन, वेल फाइंड दिस वन कि हमारे पास प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये हमारे पास, अब इसकी यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर जो होती है वो होती है पास्कल्स, पास्कल, ओके, जिसको हम लोग पी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, पास्कल्स, ओके। और ये जो यूनिट होती है इसकी वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक और टर्म होती है एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारे पास कौन सा प्रेशर होता है बेटा? जो कोई भी, मतलब एक एयर के पास कुछ मास भी है और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस, वो एक सरफेस पर एक प्रेशर को एग्जर्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर। जैसे यहाँ पर भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटीएम, या मतलब वो जो मतलब प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक गैस, यानी जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं वो भी एक, उनका भी एक वजन है, तो वो भी एक हक एक ना एक सरफेस पर मतलब प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आया? तो और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वन एटीएम, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 1.05 पास्कल्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.05 इंटू 10^10 5 पास्कल, और इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं 1.05 पास्कल की यूनिट की कई जगह पर हम लोग न्यूटन मीटर स्क्वायर को भी यूज करते हैं। ओके, समझ आया? यस सर। इनटू 10^5, ओके। सो ये हमारे पास वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसी तरह से हमने एक मरकरी को हमने एक बाथ ट्यूब के अंदर, यानी एक टब के अंदर रखा टब में, और हमने एक ऐसे एक वंस ऐसे हमने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास जो है वो कितनी है, That is 1 meter, 1 meter, okay? और इसमें हमने मरकरी को ऐसे फिल कर लिया ऊपर तक, okay? अब जाहिर सी बात है, जब हम लोग इस मरकरी को इन्वर्ट करके ऐसे रखेंगे इसमें, ऐसे हम लोग इसमें, और इसमें नंबरिंग हमने पता कहाँ से की है, हमने नंबरिंग इसमें की है यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब इस तरह से हम लोगों ने इसमें नंबरिंग की है। और आपको पता है कि 1 meter में होते हैं 100 centimeter, 100 centimeter। तो हमने देखा कि जब हमने इसको इन्वर्ट किया तो हमने हमारी जो मरकरी थी जो फुल इसमें भरी हुई थी वो उसमें से कुछ पोर्शन मरकरी का खाली हो गया, ओके, कुछ यहाँ पर वैक्यूम आ गई, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गई, ओके, और बाकी में यहाँ पर जो रीडिंग आई वो कितनी रीडिंग है हमारे पास, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप अगर mm में करेंगे तो यू विल गेट 760 mm, और 760 mm, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर। समझ आया? यस सर। ओके, अभी यहाँ पर हमारे पास, अब ये पूरी मरकरी खाली क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ना एटमोस्फेयर इस पर एक प्रेशर लगा है, एटमॉस्फेयर यहाँ पर एक प्रेशर इस पर क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये मरकरी इसमें ऊपर भी जाना चाह रही है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं लगा पा रहा कि ये बिल्कुल इसमें से कुछ बाहर निकले ही ना। सो हम बोलेंगे कि 1 atmospheric प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल्स होता है 760 mm Hg, अगर आपने mm में लिया है, और 1 atmospheric प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल होता है 76 cm Hg। समझ आया? यस सर। ओके, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास यूनिट आ गई, और हम लोग अभी बार में भी प्रेशर को यूज करते हैं, ठीक है। सो वो भी यूनिट्स कभी कभी पूछ ली जाती हैं, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ओके। सो हमारे पास 1 atmospheric प्रेशर हमारे पास होता है 1.013 bar, और 1 bar इज इक्वल टू होता है 0.87 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आया? यस सर। तो ये यूनिट आप इसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सब,
ओके सर। जोहार कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? व्हाट्स योर स्कूल नेम? एमएस एकेडमी सर। एमएस एकेडमी। मेनली यू लिव इन हैदराबाद ना? यस सर। ओके। हैव यू विजिटेड एवर दिल्ली? नो सर। नो। ओके। Then, sir. You got your results of chemistry in a half early? Yes, sir. How much you score? I scored 50 out of 60, sir. 50 out of 60. Are you very good? Okay, very good, beta. Thank you, sir. So, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर आगे. Okay. अभी हमारे पास अगली यूनिट है PV. N and T हम लोग को डिस्कस करना. We have discussed the P. Now we have to discuss this one, the volume. Okay? अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक गैस को, if I have kept a gas, मैंने let suppose कीजिए ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने suppose कीजिए मैंने इसमें 20 ग्राम गैस को 5 लीटर के कंटेनर में मैंने रखा है. 20 ग्राम गैस, 20 ग्राम मीथेन में मान लेता हूँ CH4, ठीक है. इस गैस को मैंने 5 लीटर के कंटेनर में रखा है, तो बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा. तो सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है. हम लोग ये मानते हैं कि गैसेस जो होती हैं वो कंटेनर को पूरी तरह यानी कंप्लीटली फिल करके रखती है. यानी गैसेस फिल द कंटेनर कंप्लीटली. गैसेस ओके फिल द कंटेनर कंटेनर कंप्लीटली. ओके पूरी तरह फिल करती हैं. और अगर वो पूरी तरह फिल करती हैं तो उसका मतलब हुआ कि जब भी आपको कंटेनर का वॉल्यूम गिवन होगा, इसका मतलब है कि वो गैस का वॉल्यूम गिवन है. वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो भी गिवन होगा. ओके अब आपको पता है कि हम लोग लीटर्स में जनरली वॉल्यूम को मेजर करते हैं, लेकिन उसको हम लोग को क्यूब में भी कन्वर्ट करना होता है. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 ml, और 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 cm³. ओके इसको हम लोग 1 cc भी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर. समझ में आया? यस सर। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट हो गई है ml की, यानी कि वॉल्यूम की. उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ये बेटा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? सिंपल सर, नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारे पास गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, या गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है. दोनों ही ग्राम्स में जनरली होते हैं, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग को निकालने होते हैं तो वो हम लोग को इस तरह से, ये आप पढ़ते आए, ये अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ मोल्स हम लोग इस तरह से निकालते हैं. अब गैसेस की कुछ खास बात ये होती है, गैसेस की खास बात ये होती है कि हम लोग अगर हमने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, ओके अगर हमने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर
सपोज कीजिए कि मैंने ये चार कंटेनर लिए हैं, ठीक है, इसमें मैंने स्टैंडर्ड एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर हम लोग मानते हैं कि प्रेशर जो है वो 1 atm है, 1 atm है, और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास है 0 degree Celsius और 273.5 केल्विन, 0.15 केल्विन। समझ आया? जी सर। यस बेटा, इसमें थोड़ा सा समझना है आपको कि अगर हमने कोई भी गैस 1 मोल ली, 1 मोल मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गैस का वेट कितना होगा बताइए? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस विल कंटेन हाउ मच ग्राम? 2 ग्राम। ओके, एक हाइड्रोजन हमारे पास ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, दोनों हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? 2। तो 2 ग्राम, 2 ग्राम विल बी द 1 मोल हाइड्रोजन, यानी इसमें 1 मोल होगा। ओके, उसके बाद अगर मैं बोलता हूँ CH4, तो CH4 के 1 मोल में कितना वेट होगा? 16 ग्राम। कैसे पता चला? 16 होता है कार्बन का, और हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा? 1 + 1 + 4, 4 हाइड्रोजन से यू विल गेट 4, सो यू विल गेट टोटल 16। ओके, तो हम बोलेंगे कि 16 ग्राम मीथेन में 1 मोल होता है। ओके, इसी तरह से अगर मैं C4H8, इफ आई एम टेकिंग C4H10, ओके, C4H10 इफ आई एम टेकिंग, ओके, सो इन दैट केस द मॉलिक्यूल 1 मोल का वेट कितना होगा, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं। केविन, टुडे इज नॉट योर क्लास बेटा, आपकी क्लास की टाइमिंग 7:30 थी टुडे। हां, ओके सर, माय बैड सर। C410, ओके, तो C4H10, तो हाउ मच इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा? 1 मोल में जो वेट होता है उसी को मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि कार्बन हमारे पास 12 है, मतलब 12 × 4 + 12, यू विल गेट हियर 48 + 10, यू विल गेट 58। ओके, यस सर, 58 ग्राम आपके पास क्या है? हमारे पास 1 मोल है। ओके, अब कहना क्या चाहता हूँ मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली और अगर आपने 16 ग्राम मीथेन गैस ली और आपने 58 ग्राम ब्यूटेन गैस ली, C4H10 इज ब्यूटेन गैस, जो कि आपके एलपीजी सिलेंडर में यानी जो हाउस होल्ड में यूज किया जाता है उसको हम लोग हाउस, ठीक है, तो वो आपने ली C4H10। ओके, तो C4H10, ओके, ये सब एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पर और 0 degree Celsius पर सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, और उस वॉल्यूम वो वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। दे ऑल आर गोइंग टू ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम। समझ आया? यस सर। यानी 16 ग्राम मीथेन को भी आपको 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ये भी 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगा, यानी सब 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेंगे। अब इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन गैस को नहीं यूज करते। सोचो, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और उससे ज्यादा ब्यूटेन गैस 58, यानी उसके उसके लगभग लगभग 29 टाइम्स ज्यादा हम लोग ब्यूटेन गैस को स्टोर कर सकते हैं उतने ही प्रेशर पर, यानी 1 atm प्रेशर पर और 0 degree Celsius पर 58 ग्राम ब्यूटेन गैस आएगी। यानी एक सिलेंडर सपोज करो हमारे पास है, हमारे पास और एक दूसरा सिलेंडर हमारे पास, मतलब 2 सिलेंडर है हमारे पास, तो एक में अगर 58 ग्राम आ रही है, तो अगर मुझे मुझे उसी को हाइड्रोजन गैस उतने ही प्रेशर पर स्टोर करनी है, तो मुझे को 29 सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपनी गाड़ियों के अंदर हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल क्यों नहीं यूज कर सकते? तो सोचो कि अगर हमारे पास एक फिक्स सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम हमारे पास कितना है, 22.4 लीटर, सपोज कीजिए 22.4 लीटर है, ठीक है, तो उसमें उसमें अगर प्रेशर में कांस्टेंट कर देता हूं, यानी 1 atmospheric प्रेशर, तो सिर्फ 2 ही ग्राम हाइड्रोजन आएगी, और अगर इसकी जगह पर मैं मीथेन यूज करता हूं, मीथेन गैस यानी CH4 यूज करता हूं, तो उसमें 16 ग्राम आ जाएगी। तो अगर किसी एक सिलेंडर में 2 kg किसी एक कांस्टेंट प्रेशर पर 2 kg हाइड्रोजन आता है,
तो उसी सिलेंडर में 16 केजी मीथेन गैस आएगी और उसी सिलेंडर पर सेम प्रेशर पर 58 केजी आएगी एलपीजी गैस। सो 2 केजी में गाड़ी चलेगी कितना दूर, समझ आया? यस सर, यस। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है कि हमें एक ऐसी गैस चाहिए जो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल हो और सेम प्रेशर पर वो ज्यादा सिलेंडर में आ सके, इसलिए हम लोग उसको दूर तक लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं नाइट्रोजन का लेता तो नाइट्रोजन गैस 28 ग्राम आती, नाइट्रोजन गैस 28 ग्राम, यानी N2 का जो मास मास होता है 1 मोल का, दैट इज 28 ग्राम बेटा। सो 28 ग्राम गैस हमारे पास एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पर आ जाएगी और वो ऑक्यूपाई करेगी 22.4 लीटर वॉल्यूम। ओके, सो अगर मेरे पास इसका सिंपल सा फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स, अगर हमें निकालने हो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 से डिवाइड कर देंगे, या फिर हम लोग इसको अगर ये लीटर में नहीं गिवन है, अगर ये एवन में है तो वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml अपॉन 22। अब यहां पर हमारे पास 400 आ जाएगा, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करेगा, समझ आया? यस सर। ओके, सो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं लेता हूं आपसे कि सपोज कीजिए आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके बताइए मुझे 4.4 ग्राम्स, 4.4 ग्राम्स CO2 कितना कितने मोल्स होंगे, 4.4, सॉरी 4.4 तो नहीं, चलिए मैं बोलता हूँ आपसे कि ओके 4.448 या 4.48 लेते हैं। ओके, 4.48 लीटर्स आपके पास CO2 गैस है, उसमें आप मुझे बताइए कि कितना इसमें नंबर ऑफ मोल्स होंगे और वेट ऑफ CO2 बताइए कि कितना वेट होगा CO2 का। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं यहाँ पे फिर से, सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विल बी देयर व्हेन इट एक्सर्ट प्रेशर ऑफ या हो गया पूरा। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2? तो इसके अब आपको 4.48 आपको गिवन है। ओके, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 4.48 लीटर वो ऑक्यूपाई कर रही है एसटीपी पर, तो बताइए कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे और कितना मास होगा CO2 का। ट्राई करो बेटा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले में बस पुट करना है आपको।
सर 8.8 ग्राम उसका वेट. नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितना होगा. व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मोल्स. सिंपल तो है बेटा. गिवन वॉल्यूम कितना गिवन है 4.48 और इसको डिवाइड करना आपको 22.4 से ना. सो यहां पर आप एक डिजिट बार डेसिमल है, यहाँ दो डिजिट बार डेसिमल है, तो आप नीचे एक और जीरो लगा दीजिए. अब इधर भी दो डिजिट के बाद डेसिमल से, उधर भी दो डिजिट के बाद डेसिमल से, इसको आप हटा दीजिए. तो यू विल गेट 448 अपॉन 224 और मैं इनटू जीरो को ऐसे लिख लेता हूँ 10 की तरह. यस सर. तो डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा. यस सर. यू विल गेट 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 0.2 मोल्स. यस. अगर 0.2 मोल्स हमारे पास हैं और मैं मोलर मैं वेट पूछता हूँ कि कितना वेट होगा, तो वेट कैलकुलेट करना बहुत आसान है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है, आपने पढ़ा भी होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू इनटू मोलर मास, इनटू मोलर मास इज इक्वल्स टू ऑप्टेन वेट आ जाएगा, ऑप्टेन मास आ जाएगा. सो नंबर ऑफ मोल्स आपको 0.2 दे रखे हैं. मोलर मास कितना होता है, यानी एक मोल में कितना होता है, 44 होता है कार्बन डाइऑक्साइड में. ओके गॉट इट. तो यू विल गेट हाउ मच, कितना आएगा बेटा जल्दी बोलो. 8.8. ओके ये हमारे पास ऑप्टेन मास होगा. ओके समझ में आया. यस सर. ओके कॉपी करो इसे फटाफट से. समझ आया बेटा. यस सर. चले आगे. डन. यस सर. ओके सो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स डिस्कस कर चुके हैं. ओके सो एक बार आप बेटा इसको इसको भी एक स्टेटमेंट को यहां पर इसको कॉपी कर लीजिए. यहां पर कॉपी द स्टेटमेंट कि एट एसटीपी वन मोल ऑफ ईच गैस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर. ओके ये स्टेटमेंट कॉपी कर लीजिए. स्कूल से कब तक फ्री हो जाते हैं बेटा. 4:30 सर. 4:30 एंड आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द नीट और जेई. नीट सर. ओके स्कूल इज ऑनलाइन और ऑफलाइन. ऑफलाइन सर. ओके डन. यस सर. ओके so let's move further. okay अब
टेम्परेचर का मैं यहाँ पर है कि टेम्परेचर हम लोग केल्विन में लेते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, लास्ट टर्म थी हमारे पास, और टेम्परेचर हमें बोलता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू होता है 273.515 केल्विन। ओके यस सर ओके और यही स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी हम लोग को एक्सपेरिमेंटल में जितना भी हम लोग को एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं उसमें हम लोग यही यूज करते हैं। ओके तो यस ये सर सब हम लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया। टेम्परेचर का भी सिंपल एक ही है कि अगर हम लोग को चेंज करना होता है कि सेल्सियस से हम लोग को केल्विन में चेंज करना होता है, तो हम लोग जितना भी सेल्सियस होगा उसमें मतलब अगर इफ वी नीड टू मतलब केल्विन में हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग को जितना भी सेल्सियस होगा ठीक है उसको हम लोग उसमें 273 ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट दिस वन। ओके ओके यस सर तो चलिए अभी मैं एक हम लोग आज बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मैं कुछ नॉर्मल से टर्म्स आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास बेटा ये एक सिलेंडर है, ओके इसमें गैस है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ गैस है, यहाँ पर ये दूर दूर इसके पार्टिकल्स हैं भी, मैंने एक प्रेशर इसमें यहाँ पर अप्लाई किया है। ओके इफ आई एग्जर्टेड द प्रेशर ऑन दिस पिस्टन, गैस इसमें से बाहर नहीं निकल सकती, अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो बताइए वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर क्यों बेटा? लेट मैंने प्रेशर अप्लाई किया और प्रेशर अप्लाई करने के लिए अब गैस जितनी जगह पर है वो यहां पर आ गई, इतनी जगह पर गैस आ गई है, ये पिस्टन यहां पहुंच चुका है और गैसेस अब पास पास में आ गई है इससे, यस सर कम तो बताइए अब मुझे वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? हुआ सर कम हुआ ना, तो मैं बोल सकता हूं कि मोर प्रेशर लेसर विल बी द वॉल्यूम। ओके यस सर बोल सकता हूं कि मोर द प्रेशर वॉल्यूम लेस विल बी द वॉल्यूम। ओके यानी कि मैं बोल सकता हूं कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ओके सर अभी मैंने क्या किया कि ये मैंने एक कंटेनर है, इसमें गैस है, मैंने इसको हीट करना शुरू किया, आई स्टार्टेड हीटिंग दिस, तो बताइए कि ये इसमें जो भी प्रेशर है मैंने यहाँ पर एक मीटर लगा दिया, मैं इसको हीट कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, यानी ये स्लाइड ऊपर नहीं जा सकती, ये स्लाइड यहीं पर फिक्स रहेगी, तो बताइए मुझे कि इसमें प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? विल यू फाइंड दैट कि प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? वॉल्यूम फिक्स है, प्रेशर आई थिंक द प्रेशर विल इंक्रीज विल इंक्रीज, जैसे आप प्रेशर कुकर के अंदर देखते हैं कि अगर आपने उसको हाई टेम्परेचर पे कर रखा है तो वो जल्दी उसके अंदर नॉजल्स बजेगा, है ना? सर ओके तो मैं बोल सकता हूं कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, टेम्परेचर के अगर वॉल्यूम फिक्स है तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके यहाँ पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके अगर मैं बेटा अब की बार मैंने बोला है कि ये मूवेबल है, ये मूवेबल है, ये मूव कर सकता है ऊपर और नीचे, ठीक है प्रेशर बढ़ेगा नहीं, मतलब प्रेशर नहीं बढ़ सकता, ये प्रेशर बढ़ेगा तो उसकी वजह से ये मूव कर सकता है ऊपर और नीचे, अभी मैंने इसको हीट करना शुरू किया और ये मूवेबल है, अब ये ऊपर और नीचे जा सकता है और प्रेशर नहीं बढ़ेगा, इसका प्रेशर फिक्स है यानी कांस्टेंट प्रेशर है, तो अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ यहाँ से मतलब टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ तो क्या वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? सर डिक्रीज डिक्रीज करेगा, आप इसको हीट कर रहे हैं तो बताइए इसकी लिड ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? इसके अंदर जो गैस ऊपर जाएगा ऊपर जाएगी ना, यस सर ऊपर ऊपर जाएगी तो बेटा वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, या ये सर यहां से हट करके अगर ये ऊपर चला गया तो उसका मतलब यहां पर भी गैस आ जाएगी तो वॉल्यूम बढ़ गया ना, यस सर यस तो हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पर हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर आपको नहीं बढ़ा, प्रेशर प्रेशर क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आपकी लिड ऊपर जा रही है तो भाई प्रेशर क्यों बढ़ेगा, है ना? यस सर ये वॉल्यूम बढ़ रहा है ना,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ नहीं है? नहीं सर। ओके बेटा, तो अभी हम लोग चलते हैं बॉयल्स लॉ पर, और बॉयल्स लॉ हम लोग को क्या कहता है? बॉयल्स लॉ इज पी पी वी रिलेशनशिप। बॉयल्स लॉ को हम लोग पी वी रिलेशनशिप भी बोलते हैं, ठीक है, पी वी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। ओके, यार इसको छोड़ दो। तो हमारे पास, हमने जो टर्म पढ़ी है अभी, हमने पी वी पढ़ा है, एन पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स और टी टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, क्या कर दें बेटा? कांस्टेंट, कांस्टेंट कर दें नंबर ऑफ मोल्स, और अगर टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट कर दें, ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट करने का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स क्या था? नंबर ऑफ मोल्स था हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास तो हमेशा एक गैस का फिक्स रहता है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने मास को कांस्टेंट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स अपने आप कांस्टेंट हो जाएंगे, है ना? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यहां पर मेरे पास है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो एम बी तो कांस्टेंट है, तो अगर ये चीज मैं घटाऊ नहीं बढ़ाऊ नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स अपने आप कांस्टेंट रहेंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि एट कांस्टेंट मास एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट मास और कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर मैंने कांस्टेंट मास कर दिया, यानी या नहीं तो इसमें से कोई गैस बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि अगर लीकेज होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर यहाँ से सपोज करो ये गैस बाहर निकल सकती है, तो मैं इसको वॉल्यूम को घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा तो ये यहाँ से निकल के भाग जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि एट कॉन्स्टेंट मास एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ अ गैस, यानी प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, यानी कि जितना ज्यादा मैं इसको प्रेशर करूंगा उतना ही वॉल्यूम कम होगा। गॉट इट? समझ आया? ओके, यस सर। सो मैं इसको लिख सकता हूं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय V। यस सर। तो अब मैंने, आपको पता है कि हम लोग जैसे भी, मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है उसको हटाने के लिए हम लोग कोई ना कोई कॉन्स्टेंट को यूज करते हैं, तो P को मैं इक्वल करके लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू 1 बाय V, वेयर K इज कॉन्स्टेंट, K हमारे पास कॉन्स्टेंट है। समझ आया? यस सर। ओके चलो, अभी हम लोग अब ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए बेटा कि मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, अब मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सा ग्राफ सही होगा। मेरे पास ग्राफ है एक P का और एक V का, ओके, एक ग्राफ मैंने बनाया है ऐसे, एक ग्राफ मैंने बनाया है ऐसे, एक ग्राफ मैंने बनाया है ऐसे, P और V का, कौन सा ग्राफ इसमें सही है? सर, फर्स्ट वन, दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड। बेटा इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे इस चीज को। आप मुझे बताइए फर्स्ट ग्राफ से आप क्या नॉलेज ले पा रहे हैं? फर्स्ट ग्राफ आपको इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आप कॉन्स्टेंटली, जैसे जैसे आप कॉन्स्टेंटली प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी प्रेशर की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, उस तरह से आपको वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ रही है, इसका मतलब यही तो हुआ? यस सर। यहाँ पे सपोज कीजिए 2 एटीएम प्रेशर है, तो यहाँ पर सपोज कीजिए 2 लीटर है, फिर आपने 3 एटीएम प्रेशर किया, तो यहाँ पर आपका सपोज कीजिए कि 3 लीटर आपका वॉल्यूम हो गया। ओके, क्या ऐसा हो रहा है एक्चुअल में? ऐसा हो रहा है कि आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है? नहीं, हम तो उल्टा देख रहे हैं। हम कैसे देख रहे हैं बेटा? हम तो इस चीज को उल्टा करके देख रहे हैं ना, कि प्रेशर बढ़ाने पे तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पर तो वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, तो ये ग्राफ के अकॉर्डिंग तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, जैसे आपने प्रेशर बढ़ाया, सपोज कीजिए आप 5 पर चले गए तो यहाँ पर वॉल्यूम और ज्यादा हो गया, तो ये ग्राफ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। यस सर। ओके, अब अगर मैं देखता हूं कि हमारे पास ग्राफ जो है वो है P इज इक्वल टू के बाई वी, ठीक है, K by V। अगर मैं, ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं इस इक्वेशन को
y is equals to mx, mx से रिलेट करता हूं, ध्यान से समझना, मैं तुम्हें बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना चाह रहा हूं। ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होता है वो y is equals to mx plus c की फॉर्म में होना चाहिए। c can be zero, चलो मान लो कि यहां पे जीरो है, ठीक है, yes. मान लेते हैं कि यहां पर c जीरो है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा? अगर मैं यहां पर p लिख देता हूं और यहां पर v लिख देता हूं, तो नहीं, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरे पास p की जगह पर, यानी y एक्सिस पर मेरा p है, ठीक है, m को मैंने मान लिया, चलो कोई भी कांस्टेंट है, m इज अ, लेकिन x की जगह पर क्या मेरा v है, सॉरी 1 / v है? नहीं है, उसकी जगह पर क्या है? v है। हाँ, अगर ये इसकी जगह पर 1 / v होता, लेट सपोज इट इज 1 / v, देन इन दैट केस इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यस सर, समझ में आया? इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो सकता था, ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट या उसका जो स्लोप होता है वो के को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां पर हम बोलेंगे कि ये ऐसे लाइन नहीं हो सकता। तो फिर कैसा ग्राफ होगा? दैट विल बी अ कर्व ग्राफ। कैसा ग्राफ होगा? कर्व, ओके, हम लोगों ने 1 / v का नहीं लिया, यहां पे किसका लिया है? v का लिया है, ओके, यस सर, गॉट इट, समझ आया? यस, ओके, यस सर। हमारे पास p की वैल्यू कितनी आई है बेटा? p की वैल्यू हमारे पास ये आई है, ओके, p की वैल्यू हमारे पास, मतलब p / v का ग्राफ जो होगा हमारा ये होगा, ओके, जिसमें ज्यादा प्रेशर है तो कम वॉल्यूम है, और प्रेशर को मैं कम करता नीचे लेके जा रहा तो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, यस सर, ओके। और एक लिमिट होती है ना गैस की भी प्रेस करने की, कि आप प्रेशर इतना प्रेशर आपने लगा दिया तो वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सीधा चलता चला जाएगा, तो इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा हमारे पास, ओके, क्योंकि गॉट इट, तो यहां पर हमारे पास है। अब मैं तुमसे पूछता हूं बेटा, मैंने ये एक यहां पर मेरे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर मैंने बनाया है, और मैं मान लेता हूं कि मैंने तीन अलग अलग कंडीशन ली और मैंने तीन अलग अलग टेम्परेचर को लिया, तो मैंने तीन अलग अलग टेम्परेचर पर कुछ इस तरह से ग्राफ को देखा कि मेरे पास कुछ इस तरह से ग्राफ आए हैं। एक मेरे पास ग्राफ है टी वन, एक टेम्परेचर टी वन, एक है मेरे पास टी टू, या मैं टी थ्री ले लेता हूँ, यहाँ पे टी टू ले लेता हूँ, यहाँ पे टी वन ले लेता हूँ। ये मेरे पास टी वन टेम्परेचर पर ग्राफ है, ये मेरे पास टी टू टेम्परेचर पर ग्राफ है, ये मेरे पास टी थ्री टेम्परेचर पर ग्राफ है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि इनमें से सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा, टी वन टी टू टी थ्री, या फिर मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, फिर उसके बाद दूसरा, उससे कम, और तीसरा, यानी आप शुरू से, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप टेम्परेचर को अरेंज करें, तो आपका क्या होगा? T1 is greater than, T2 is greater than, T3, और T3 is greater than, T2 is greater than, T1. कोई आइडिया? नहीं समझ आया, चलो मैं समझा देता हूं। सपोज कीजिए कि आपने वॉल्यूम को फिक्स कर लिया, वॉल्यूम यानी कि यहाँ पर जो भी वॉल्यूम है, मान लेते हैं यहाँ पे 50 लीटर वॉल्यूम है, या जो भी लीटर है, वॉल्यूम फिक्स कर लिया आपने, ठीक है, सारी गैसेस का इस जगह पर वॉल्यूम फिक्स है ना? यस सर। अब टी वन टेम्परेचर पर एक गैस का प्रेशर आया 50, या सपोज कीजिए 2 आया, टी टू टेम्परेचर पर उसी कंटेनर का प्रेशर आया 3, और टी थ्री टेम्परेचर पर उसका प्रेशर आया 4, समझाने के लिए, है ना, वॉल्यूम फिक्स है, यानी कि हमने क्या किया, हमने कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दी कि इसका पिस्टन अब मूव नहीं कर सकता, ऊपर जैम है, इट इज जैम, ये जैम है हमारे पास, और ये ऊपर मूव नहीं कर सकता, और अगर ये ऊपर मूव नहीं कर सकता बेटा, तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा? बढ़ेगा, yes, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा। आप एक प्रेशर कुकर की समझ लीजिए कि प्रेशर कुकर है, उसके अंदर मैंने टेम्परेचर यानी फ्लेम तेज कर दी तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना? तो प्रेशर बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर कब बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा प्रेशर कब है? टी फोर, ऊपर को जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है, यस सर, तो वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर पर ही बढ़ेगा, यस सर, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टी थ्री इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, यस, समझ आया? यस सर, अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके, सो इसका ये वॉइस लॉग आ गया है, उसके बाद ये इसको आप कॉपी कीजिए, वॉइस लॉग का प्रेशर का,
टी वन इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी थ्री. बॉयस लॉ का स्टेटमेंट आपने कॉपी कर लिया था? यस सर. डू कॉपी दिस. समझ में आना जरूरी है, कंसेप्ट को समझ में आना जरूरी है. अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगती, लेकिन अगर कंसेप्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई तो फिर बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी. फिर तो ऐसा होता है कि केमिस्ट्री क्या कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा. ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ पर हम लोग, टेंथ वाला बड़ा आसान लगता है सब बच्चों को, यार टेंथ तो बड़ा आसान था, अब इलेवेंथ में आते ही सब गड़बड़ होने लगता है क्योंकि कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं. इसको अगर तुम रिलेट करके करोगे तो तुम्हें बहुत आसानी समझ में आएगा. ओके यस सर. डन. ओके सो अभी हम लोग इसका एक और ग्राफ जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है, ओके सो स्ट्रेट लाइन की अब हम बात करते हैं. ध्यान समझना बेटा, P इज इक्वल्स टू हमारे पास, मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं और मैंने अब की बार जो ग्राफ बनाया है, लेट सपोज कीजिए कि मैं आपको अब की बार मैं ग्राफ ऐसे बनाता हूं, ठीक है, P इज इक्वल टू 1 बाई बी. ओके हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाई बी, यही था ना हमारे पास? यस सर. तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ कैसे बनेगा तो समझने की कोशिश करते हैं. देखो इस इक्वेशन को मैं एक जनरल इक्वेशन से, मतलब जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन वाली इक्वेशन है उससे रिलेट करके देखते हैं. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ओके गॉट इट? यस सर. अब ध्यान समझना, क्या x एक्सिस पर 1 बाई वी है? यस yes. x एक्सिस पर 1 बाई वी है. ओके okay? क्या y एक्सिस पर p है? यस yes, y एक्सिस पर p है. क्या इसके पास c में कोई वैल्यू है? जीरो मान लेते हैं, यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा. किससे स्टार्ट होगा? ओरिजिन से. क्यों होगा? क्योंकि इसका जीरो इंटरसेप्ट है. क्या है बेटा? जीरो इंटरसेप्ट. जीरो इंटरसेप्ट है तो वो कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से. ओरिजिन से. ओके अच्छा, 1 बाई v आ गया. अब K, इसका K और M से हम रिलेट करते हैं, तो क्या K माइनस में है? नहीं, K माइनस में नहीं है. K माइनस में नहीं है तो M हमारे पास जो है वो स्लोप है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव स्लोप है. ओके यस. पॉजिटिव स्लोप का मतलब होगा कि इसका ग्राफ आप ऐसे नहीं बनाएंगे. स्ट्रेट लाइन तो है, स्ट्रेट लाइन कैसे पता चला? क्योंकि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सेट हो चुका है. Yes. पहला वाला क्यों नहीं था स्ट्रेट? पहला वाला क्यों स्ट्रेट नहीं था? इसलिए स्ट्रेट नहीं था क्योंकि हमने p इक्वल्स टू v लिया था और v हमारा y एक्सिस पर 1 अपॉन v होना चाहिए था, जबकि हमने यहाँ पर v लिया था, इसलिए पहला yes. वाला हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं था. ओके तो अब हमारे पास क्या है? 1 बाई v है बेटा. 1 बाई v है तो उसका मतलब हुआ कि इसका स्ट्रेट लाइन होगा और जीरो इंटरसेप्ट होगा. तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास ऐसा हमारे पास एक ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन जीरो इंटरसेप्ट से और m की वैल्यू इसमें पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप होगा. ऐसे आप नेगेटिव स्लोप नहीं ले सकते. गॉट इट? अब मैं मान लेता हूं कि तीन अलग अलग कंडीशन पे मैंने, तीन अलग अलग टेम्परेचर पर मैंने ऐसे बनाया. एक मैंने लिया T1, एक मैंने लिया T2, एक मैंने लिया T3. अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं ऑर्डर से अरेंज करता हूं तो फिर से टेम्परेचर को अगर हम लोग करें तो मतलब कौन सा सही होगा? क्योंकि 1 बाई वी की वैल्यू फिक्स कर दी, वो चेंज नहीं हो सकती है. हमने यहाँ पर कोई एक फिक्स वॉल्यूम कर दिया जो 1 बाई वी है. फिक्स वॉल्यूम है, हमें नहीं पता जो भी है, बस हमने फिक्स कर दिया. फिर से वही आ गया कि अगर 1 बाई यानी वॉल्यूम फिक्स कर दिया और आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा.
तो सबसे ज्यादा प्रेशर यहां पर है, उसके बाद यहां पर है, उसके बाद यहां पर है। सो हम बोलेंगे एट कॉन्स्टेंट वन बाई वी, ये चेंज नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम ना। यस सर। ठीक है, हमने कॉन्स्टेंट वैल्यू कर दी वी की, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर हम बोलेंगे कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर होगा। तो हम बोलेंगे फिर से कि टी थ्री इज ग्रेटर देन टी टू इज ग्रेटर देन टी वन। ओके सर। ओके, गॉट इट? यस सर। अच्छा, अब फिर से आगे चलते हैं हम लोग। बेटा ध्यान से कॉपी किया आपने पहले वाला, ये वाला? यस सर। पक्का कॉपी कर लिया, आगे चलें? यस सर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारे पास है बेटा नेक्स्ट है हमारे पास कि सब हमारे पास जो बॉयल्स लॉ की इक्वेशन थी, दैट इज पी इज इक्वल्स टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स मास वी हैव के इज इक्वल्स टू वन बाई वी। तो अगर मैं, क्या बुराई है अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत? नो सर। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद लॉग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद लॉग बाय लॉग। जब आप दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल फाइंड लॉग पी इज इक्वल्स टू लॉग के बाई वी, लिख सकते हैं आप? यस सर। तो लॉग पी इज इक्वल्स टू, आप इसको मैंने बताया था लॉग ए अपॉन बी, को हम लोग ले सकते हैं लॉग के माइनस लॉग वी, यानी लॉग बी, लॉग के माइनस लॉग के माइनस लॉग वी, लिख सकते हैं हम लोग बेटा? यस सर। फिर से हम लोग, अगर मैं पूछूं तो इस इक्वेशन को अगर मैं रिलेट करूं y इज इक्वल टू mx प्लस c, या इसका इक्वेशन का ग्राफ बनाता हूं तो कैसा ग्राफ बनेगा, कोई आइडिया? चलो समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हम लोग इसको इक्वेट करते हैं कि ये हमारे पास है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, हम लोग को के वर्सेस तो ग्राफ नहीं बनाना होता, हम लोग को v लेना होता है ना, p और v को लेना होता है, तो y एक्सिस पर हम लोग v को ही लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास mx है v, ठीक है, और ये हमारे पास है c, got it? और इसमें m की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, m की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, got it? या मैं नेगेटिव वन मान लेता हूँ, यहां पर मैं वन मान लेता हूँ, तो नेगेटिव वन इज m, got it? Yes, sir. ऐसे समझ लो, या फिर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आने के लिए, log p is equals to log minus log v plus log k। तो मैं इसको तुम्हें समझा दूं, y is equals to mx where m is minus one here, m is minus one, mx, ठीक है, plus c। क्या ये ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा? नो सर। नहीं स्टार्ट होगा क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट जीरो नहीं है। यस सर। तो इसमें सी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो है लॉग के। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा, वाई एक्सिस पे क्या लूं बताइए, एक्स एक्सिस पर क्या लेता हूं पहले बताइए, वाई एक्सिस पर क्या लूं? लॉग पी सर। यस, वेरी गुड, इट वुड बी लॉग पी। और x एक्सिस पर log v, वेरी गुड, log v। अच्छा, c हमारा जो होगा वो log के इंटरसेप्ट होगा, जो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए क्या इसका ग्राफ ऐसे होगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट नहीं होगा और स्ट्रेट लाइन भी होगा क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस c से ये रिलेट कर रहा है, तो स्ट्रेट लाइन तो होगा। तो क्या इसका ग्राफ ऐसे होगा या फिर इसका ग्राफ ऐसे होगा? और यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी वो होगा इंटरसेप्ट, जिसकी वैल्यू होगी लॉग के। ठीक है,
अब इसमें स्लोप जो है, स्लोप m को रिप्रेजेंट करता है और m की जगह पर क्या है, माइनस वन। m की जगह पर क्या है बेटा, माइनस वन। तो m इज इक्वल टू माइनस वन और m की वैल्यू होती है टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस वन। तो हम लोग अगर थीटा की वैल्यू निकाले तो माइनस वन होता है टेन, पॉजिटिव वन तो होता है 10 45, लेकिन माइनस वन होता है 10 135। तो थीटा थीटा कैंसिल कर दूंगा तो विल गेट थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। सो अगर मैं इसकी स्ट्रेट लाइन यहां से वाई एक्सिस से एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ करता हूं तो यहां से जो एंगल आएगा दैट वुड बी दी 135 डिग्री। ये कुछ इस तरह का स्लोप होगा जिसमें थीटा की वैल्यू जो होगी वो 135 डिग्री होगी। गॉट इट, समझ आया बेटा, समझ आया? अच्छे यस सर, से समझ आ गया। ओके ओके बेटा, ये तो मैं अच्छे समझ में आ गया। सो चलो एक और लास्ट ग्राफ लेते हैं हम लोग, देर तो नहीं हो रही? समझ नो नो सर, इट्स ओके सर, में आ रहा है? यस सर, ओके। ये कॉपी कर लिया आपने दोहा? यस सर। अच्छा अभी मैं एक ग्राफ लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि पहले अब की बार एक ग्राफ लिया है इससे, ठीक है, और अब की बार मैंने, हमारे पास इक्वेशन है कि पी वी इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन थी पी इज इक्वल टू के अपॉन वी। तो वी को मैं इधर लेके आ सकता हूं तो मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन वी पी वी इज इक्वल टू के विच इज कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है। ओके तो मतलब वो कांस्टेंट होगा, यानी कांस्टेंट पी और वी का प्रोडक्ट अगर मेरे क्या कर रखा है, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग एट टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग एंड गैस इज नॉट लीकेजिंग, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है, ना ही तो इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो उस कंडीशन में पीवी का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे एक मैं लेता हूँ पीवी और यहाँ पर मैं वॉल्यूम चाहे तो मैं प्रेशर कोई भी एक को रखता हूँ, तो ग्राफ कैसा होगा सोचिए। सर स्ट्रेट कैसा होगा, स्ट्रेट, या ऐसे स्ट्रेट। यस सर, इट विल बी स्ट्रेट लाइक दिस, कांस्टेंट लाइन का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, हाँ यस क्योंकि सर, नॉट फ्रॉम द ओरिजिन, यस सर। दिस इज द ग्राफ। तो अगर मैं ऐसे तीन ग्राफ बनाता हूं टेम्परेचर को कांस्टेंट करके, सॉरी अलग अलग टेम्परेचर पर, एक टी वन पर बनाया तो मेरे पास ये लाइन आई, एक मैंने टी टू पर बनाया तो मेरे पास ये लाइन आई, एक मेरे पास टी थ्री पर बनाया तो ये लाइन आई। तो टी वन टी टू टी थ्री में बताइए आप मुझे कि इसको मैं अरेंज करूं तो कैसे अरेंज करूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सर T1 T2 is greater than T3, हाँ सर के साथ अब की बार तो पक्का सर, एक बार तो सर चेंज हो गई होगा ना, यस हर बार T3 is greater than T2 is greater than T1 नहीं हो सकता। हाँ यस तो चलो हम लोग इसको चेक करते हैं अभी, है ना। देखो बेटा चेक करते हैं, एक बार हम लोग वॉल्यूम को मान के समझ लेते हैं कि नीचे वॉल्यूम ले रखा है, एक बार हम लोग प्रेशर को मान के चलते हैं ना। सपोज कीजिए मैंने एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग। अब सपोज कीजिए कि मेरे पास पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, ओके। पी की जो वैल्यू है मैं मान लेता हूं, सपोज कीजिए कि वो 20 है, या इन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो 20 है, इन दोनों की प्रोडक्ट 20 है, ओके। यस अभी कांस्टेंट है, अभी कांस्टेंट है ये तो मैं पता है, ठीक है, अभी तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ चेंज होगा, ओके। सपोज कीजिए कि मेरे पास वॉल्यूम, मेरे पास जो भी है, मैंने मान लिया कि वॉल्यूम मेरा 10 है, वो मैंने फिक्स कर दिया, वॉल्यूम यस फिक्स है यहाँ पर 10, मैंने वॉल्यूम फिक्स कर दिया। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बताइए, यहां पर एक बार आ रहा है T1 टेम्परेचर पर मेरा आया सपोज करो कि 2, फिर मैंने वॉल्यूम फिक्स कर रखा है और मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया तो मेरे पास आया 3, मैंने टेम्परेचर और बढ़ाया तो मेरे पास आया 4,
प्रेशर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ाने प्रेशर बढ़ता है अगर वॉल्यूम फिक्स है तो. यस सर. तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास रीडिंग आई 20, यहाँ पर मेरे पास आई 30, यहाँ पर मेरे पास आई 40 yes. ना, T1 टेम्परेचर पर. कम टेम्परेचर है तो प्रेशर कम वॉल्यूम फिक्स पर, ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा प्रेशर और ज्यादा डेबिट. तो मैं बोल सकता हूँ कि जितना ज्यादा पीवी, यहाँ पर पीवी की वैल्यू आ रही है 20, यहाँ पर पीवी की वैल्यू है 30, यहाँ पर पीवी की वैल्यू है 40. तो इसका मतलब हुआ कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही पीवी की वैल्यू होगी अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो. yes, है ना. तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1. और इसी को मैं अगर उल्टा करूं, मतलब अब की बार वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, अब की बार सॉरी प्रेशर, यहां पर मैं प्रेशर ले लेता हूं, प्रेशर ले लेता हूं, तो प्रेशर लेने पर भी यही हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा. अब की बार सपोज करिए कि मैंने प्रेशर को फिक्स कर दिया, लेट सपोज प्रेशर इज 2 atm मैंने फिक्स कर दिया. अभी मैंने वॉल्यूम को बढ़ाया, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा. प्रेशर फिक्स है, प्रेशर फिक्स होता है तो कब प्रेशर फिक्स होता है, जब पिस्टन हमारा फ्री हो, तभी तो प्रेशर फिक्स होगा. यस सर. तो प्रेशर होने लग जाएगा, ये फ्री ऊपर उठेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा अपने आप. प्रेशर फिक्स करने के लिए इसको ऊपर उठना पड़ेगा, अदरवाइज प्रेशर बढ़ जाएगा. सो प्रेशर फिक्स होने का मतलब है कि पिस्टन इज मूवेबल, अब ये मूव कर सकता है. तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम मेरा बढ़ेगा. तो T1 टेम्परेचर मान लेते हैं कि वॉल्यूम 5 है, T2 टेम्परेचर पर मैं मान लेता हूँ वॉल्यूम 10 है, T3 टेम्परेचर पर मान लेता हूँ वॉल्यूम सपोज कीजिए 15 है. ठीक है. यस सर. तो यहां पर आया 10, यहां पर आया 20 और यहां पर आया 30. यस सर. ना. सो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा. तो आप चाहे यहाँ पर P को रखिए चाहे V को रखिए, PV के साथ जो भी होगा यहाँ पर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो PV की वैल्यू बढ़ेगी. ओके. यस सर. गॉट इट. तो हम यहाँ पर बोलेंगे T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3. गॉट इट. यस सर. सो आज इतना ही रखें या फिर कुछ है इसमें अभी? सो द टू डिफरेंट सिम्पटम्स पे मैंने समझा दिया था ये तुम्हें, बस इतना ही. ये बॉयल्स लॉ के आज हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ा है थोड़ा सा, उस पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम थोड़े से किए हैं, थोड़ा सा समझाया है कि क्या होता है. अगली क्लास में हम लोग इसको और अच्छे से करेंगे. ये पार्शियल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ को एक बार लिख लो, फिर उसके बाद okay.